आज बेबी को थर्ड है कि जो है लेची काफी हद तक निकल चुकी है, तो लेची निकालने का कार्यक्रम हो रहा है। बड़े सीएमओ साहब आए हैं, ट्रेनी सीएमओ बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग चल रही है, फोटो खींचे हमारे नाम और दर्शी अपने भाई की फोटो खींच रही, खींचते जा रही है। भाई की फोटो खींच रही है और खुद खींच रही है। कसरत कर रहा है सपने में, जो जो कर रहा होगा पता नहीं। क्या कर रहा बेबू, क्या कर रहा बेबू, बेबू भाभी। तो आज हमारा बेबी 14 डेज का हो गया है और धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभी तो सोया हुआ है बहुत शांति से, वरना तो ये मुझे घंटों घंटों बैठाए भी रहता है। कल तो मैं 7 शाम के 7 बजे से बैठी थी इसके साथ, रात के 12 बजे जाके ये सोया है। कॉन्टीन्यूसली बैठी थी, टॉयलेट कर रहा फिर दूध मांग रहा, टॉयलेट कर रहा फिर दूध मांग रहा। तो भाई हालत ख़राब हो गई थी कल तो, फिर मुझे झपकियाँ भी आने लगी थी इसको दूध पिलाते पिलाते, टॉयलेट का वो चेंज करते करते इसका लंगोट। अभी मस्त सोया हुआ है, अभी कोई मतलब नहीं है उसको। आज 15th डे है तो आज बेबी नहा रहा है। तो बेबी डेज के हिसाब से नहाता है, जैसे कभी 3rd डे, कभी 5th डे, कभी 9th 7th डे, फिर नामकरण, और आज 15th डे में नहा रहा है और उसके साथ साथ मैं भी नहा रही हूँ। नंगा बच्चा मूछ भी देता है, ये मूछे का तौली दे रे, झाड़ू में झाड़ आ मेरा बच्चा, नानू नानू बच्चा, नानू नानू वो ये भी तो कहता है। अब हमारे बच्चे ने नहा लिया है, अब सोएगा हमारा बच्चा। ये देखो हमारा बच्चा 15 दिन का बच्चा है। बच्चे का नाम है भगीरथ, ये गंगा लाए थे शिव जी की जटा से। भाभी ने नहा लिया है भगीरथ ने, और मैंने भी नहा लिया है क्योंकि उसने नहाया तो मेरा भी नहाना बनता है। और हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाने की, ताकि उसकी जो ग्रोथ है 1st डे से लेके आज 15th डे है, तो हम उसे कैप्चर कर पाए। तो ऐसे छोटे छोटे व्लॉग्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आज हमारा भगीरथ हो गया है पूरे 18 दिन का, और कुछ कुछ दिनों में हम उसे नहलाते हैं, तो आज फिर उसको नहलाई धुलाई का दिन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से नहलाई धुलाई हो रही है भगीरथ की। सदस्य मतलब क्या कह रही हूँ, दर्शक गण ये सारे दर्शक गण है, काम करने वाले कम होते हैं, दर्शक ज्यादा होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, पिएगा कैसे पिएगा फिर? अरे आए फिर नहीं लगा यार, भूल गए तो अब लगा दो। बड़ा हर्षो कहाँ गया? यो चा, यो देख, इसे पकड़ो ये लो। बेबी देना, देखो बेबी उधर को। बेबी तो देख रहा है। अभी तो दूध खाया। कितना दूध पीते हो बताओ तो? हो गया रेडी, रेडी बोल दो। दीदी रेडी, खाओ खाए, खाओ खाए। दीदी हेलो बोल दो। हेलो हेलो। हमारा छोटा बेबी कहाँ है? छोटा बेबी कहाँ है? और नहलाई धुलाई होने के बाद, तेल मालिश होने के बाद जो सुकून मिला है हमारे भव्य भगीरथ को, देखिए कितने आराम से सो रहा है।
तो नामकरण को हो गया पूरा एक हफ्ता और गिफ्ट अनरैप करने का मौका अब लगा है, अब फुर्सत मिली है और हम अब गिफ्ट अनरैप करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ नहीं बेबी के लिए आए हैं। और मेरे सारे जो कह वो चल रहे हैं डायलॉग वो इसी बेड से चल रहे हैं बार बार। बेबी खुशी से रोने लग गया है, इतने सारे गिफ्ट आ गए हैं। मगर मुझे तो जॉनसन की खुशबू अच्छी लगती है। तो बच्चे को मिले हैं बहुत सारे हिमालया के बेबी केयर किट, जिसको हम रख रहे हैं एक स्पेशल ब्रीफ केस में जो कि दिया है उनके ताऊ जी ने। वो स्पेशल ब्रीफ केस जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, जो कहीं नहीं मिलता है, वो रहा ये ये देखिए, ये ब्रीफ केस आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये स्पेशली उसके जो ताऊ जी उन्होंने मंगवाया है एक्सपोर्ट और वो सब ड्यूटीज व्यूटीज लगा के, और उसमें जा रहे हैं सारे किट्स। आज है 1 मई और भगीरथ वैसे तो 20 डेज का हो गया है पर मेडिकली 19 डेज का है, तो आज उसका पहला डॉक्टर विजिट है, उसका रूटीन चेकअप होना है, थोड़ा जुकाम सा लगा है उसको, तो अब जा रहे हैं मम्मी और पतिदेव जा रहे हैं उसको लेके उसका रूटीन चेकअप करवाने। भगीरथ की जो दादी है वो भगीरथ को ले जा रही है, पूजा इसलिए नहीं आई है क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कमजोरी भी होती है और बेबी होने के बाद थोड़ा सा चलने में भी अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो सारा जो कार्यभार है वो दादी पे दिया गया है। तो हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, हॉस्पिटल करीब 100 मीटर दूर है, पैदल पैदल जाते हैं हम रोज हर बार। का वेट 3.9 केजी हो गया है, 2.9 केजी का हुआ था। रहे ठंडे हो रहे कपड़े ऐसे ठंडे रहेंगे जुकाम लगेगा, नहीं ठंडा हो गया चार दिन में, थोड़ा सा दूध पीने में दिक्कत तो नहीं हुई, माँ का ही दूध पीता है। भागीरथ का जो वेट है वो 2.9 केजी से 3.9 केजी हो चुका है 19 डेज में। उसके अलावा थोड़ा नाक बंद है और थोड़ा बहुत है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहला चेकअप सक्सेसफुली करा लिया है, दिखा लाई थी ठीक है, कैसे थोड़ा ढका छुपावा के रखना, पंखा मत चलाना। तो चेकअप करा के मम्मी और पतिदेव वेटर साहब आ गए हैं, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा जो है ठंडे से उसको बचाना है और बाकी सब कुछ जो है नॉर्मल है। तो अभी उसकी मालिश हो रही है, उसकी बड़ी दादी उसकी मालिश कर रही है और छोटी दादी मतलब दादी देख रही है, दो दादियां मिल के देख रहे हैं, एक दादी मालिश कर रही है, एक दादी देख रही है। मैं इतनी ऐसी इसलिए बनी हूँ क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, और दूसरी चीज़ ये है कि सुबह मालिश करी थी बड़ी दादी ने, अभी जो कर रही हैं वो कर रही हैं दादी यानी आमा मालिश। तो बच्चों की तो लाइफस्टाइल ऐसी ही चलती है, अभी उसकी मालिश हो रही है, अभी फिर वो टॉयलेट करेगा, फिर वो दूध पिएगा, फिर सो जाएगा, एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मजबूत होगा तेरी कंधी, मजबूत होगी तेरी छाती, मजबूत होगी आमा, बुढ़ी हो जाएगी जब तक ये आमा उसके कंधे मजबूत कर रही है ना, आमा जैसी दिख रही हूँ मैं, देखो तो बताइए मैं आमा जैसी दिख रही हूँ, मेरी एज कितनी है बताना, मम्मी की एज बताइएगा, मेरे से भी छोटी है मम्मी। तो आज है 16, बेबी को पैदा हुए 22 दिन हो गए हैं, तो कुछ पूजा वगैरह होगी और इस पूजा में मैं और पतिदेव एडिटर साहब आपके और हमारा जो भगीरथ है वो बैठेगा। भगीरथ का नहाना स्टार्ट हो गया, उसकी बड़ी दादी आ गई है अपनी ड्यूटी पे, तो चलिए वो दिखाते। अरे न्याई न्याई तो गई भाई, कतु चीज जा रहे हम लोग उसके और कतु गूगल बता दे रहा, कतु यूट्यूब बता दे रहा, लो एक डब्बा वाली है और ना ये लो वीचा नानू भगु मार दिया रे मार दिया। मालिश हो रही है प्रोफेशनल एकदम, अच्छा नहीं करते एक्सपर्ट वाली, अच्छा नहीं करते हैं ये फेस मसाज हो गई है।
भागीरथ को नहा लिया है और बाकी जो बाकी लोग जो देखेंगे वीडियो कहेंगे चाउत है वी सास वी खोर में तेल लगा नीची खुद ने लगा सकती हूँ न्यारे अच्छी रही है इनरे इनरे घर में नंते नह रही हमल तो सब करो हमल दुहर दिन बटे घा चाहा लगी थी दुहरे दिन में काम करने लगी थी बड़ी मुश्किल से मैंने इसको शांत किया है और वो थोड़ी सी देर में सुसु कर दे रहा है तो उठ जा रहा है मम्मी इसकी नहाने गई है बहुत कठिन काम है बेबी 22 डेज का हो चुका है और आज पे 16 है बच्चे खाते हैं हंसते हैं हंसते हैं खाते हैं सोते हैं सोने नहीं देते हैं तैयारी हो रही है यहाँ पे क्या पहन और उम्र भी छोड़ो बच्चा सोया हुआ है अभी थोड़ी देर में फिर रोएगा दिखाऊं मैं रोता अभी देखना कहा था ना मैंने बच्चा रोएगा पापा की गोदी कितनी बड़ी होती है आज देखिए कितनी बड़ी होती है आप गोदी में नहीं पकड़ सकते उसको गोदी में कैसे पकड़ूंगा मैं उसको भूखे पेट ही सुला दो उसको गोड़ गोड़ गोड़। अरे रुक जा सुन मेरी बात ऐसा है दूध पीने का पोटी करने का सोने का टेंशन नहीं लेने का अरे सही बात बोल रहा तू क्यों नहीं समझ रहा तो जब तक बच्चा सो रहा था तब तक मैं तैयार होके आ गई क्योंकि बच्चा होने के बाद आपको अपना सारा जो टाइम है जो भी काम है वो बच्चे के हिसाब से करना पड़ता है जब वो सो रहा होता है या जब वो थोड़ा शांत होता है उसी टाइम पे तो तब तक हम जो है मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि कुछ खा नहीं सकते और अगर कुछ खा भी सकते होते तब भी मैं चाय पी ही रही होती शायद हमारे पंडित जी फाइनली आ गए हैं अभी 11:30 बज रहे हैं हम लोग मैं तो एक बार सो भी गई और ये जो है अपने बच्चे का पता नहीं क्या करने में लगे हुए हैं सुपरस्टार बनाएंगे अब बेबी की दादी जो है उसके कपड़े बदल रही है कपड़े चेंज टाइम अब दादी कह रही तू जहाँ जाएगी जाना इसको यहीं छोड़ जाना बस एडिटर साहब आ जाएंगे तो पूजा स्टार्ट हो जाएगी फूल ले आए पूजा स्टार्ट होने वाली है तो हम लोग बैठ जाते हैं अपने स्थान पे नारायण नमो ओम माधवाय नमः ओम केशवाय नमः हसि केशाय नमः पंडित जी है वो पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है बच्चा जो है वो अपने जो उसकी प्यारी प्यारी तीन मौसियों ने कॉट दिया था उसे नेहा आकृति और आस्था उसमें मस्त करके सोया हुआ है गंगा जी में बकरी जी लाए अब आरती का टाइम हो गया है सारा पाठ हो गया आमा लटपटी गई है नाती में आमा नहीं छोड़ती है नाती तू आमा कॉलमी नाती है कौन होते आफ्टर 22 डेज मुझे मिला है एक बड़ा और एक पूरी और एक मिठाई रोज की जो मेरी दाल है रोटी और ये एक नींबू तो इसका रीज़न ये है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी जो होती है बॉडी आपके अंदर से काफ़ी जो है हील हो रही होती है तो आपको लाइट खाना खाना चाहिए और जितना टाइम आप परहेज कर सको वो आपके लिए ही बेटर है और जो मेरी सासू माँ है वो पूरी इस टाइम पे इस चीज़ को लेके काफ़ी केयरिंग उसमें है कि ध्यान रख अपना और मत खा भी फिर तो खाना ही है तो मैं भी उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ और ये सारा हेल्दी ही खा रही हूँ ताकि मैं जल्दी रिकवर कर सकूँ जल्दी हील कर सकूँ तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह मिलते रहेंगे आपको फिर से बैक टू एक्शन नए ब्लॉग्स के साथ